अभी जो है आरआरबी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि एलपी टेक्नीशियन यहाँ पर जेई सभी से रिलेटेड मैं आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी जो है टेक्नीशियन से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, जिसमें कि क्या नए लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या जो पुराने लोग हैं वो चेंज कर सकते हैं। जेई में अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती है आने वाले दिनों में, आपको जेई के लिए भी वैकेंसी इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो क्या जेई में जो वैकेंसी इंक्रीज होंगी, तो क्या आरआरबी का जो जोन है चेंज कर पाएंगे, क्या नए लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जेई का भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं कर पाए हैं और जो टेक्नीशियन का भी फॉर्म फिल करने से चूक गए हैं, तो वो लोग अभी आपके लिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में आप बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप सर्च करोगे केकेएस इंडियन टेलीग्राम पर तो भी मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप पर अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही मैसेज करोगे तुरंत आपको सभी लिंक्स वगैरह रिसीव हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी ज्वाइन होकर के आप रह सकते हैं, सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और जो अभी टेस्ट बुक का ऑफर आपको 28 से 30 सितंबर के बीच में यहाँ पर चल रही है, जिसमें अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे PKO3PL तो आपको डिस्काउंट मिल करके बहुत ही कम प्राइस में अभी पास प्रो बाय कर सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर से आपका जो प्राइस है बढ़ जाएगा यहाँ पर 699 हो जाएगा। तो जिनको भी ज़रूरत है वो लोग ज़रूर से ये कूपन कोड लगा करके, या अगर आपके पास टेस्ट बुक का एप्लीकेशन नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दिया गया, या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट भी होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आपके फ़ोन में पहले से है तो ये कूपन कोड लगा करके ज़रूर से कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल नोटिस अभी आरआरबी की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ की गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और अभी एक वैकेंसी यहाँ पर CEN 2024 की वैकेंसी इंक्रीज करके यहाँ पर 9144 जो पहले थी अभी 14298 यहाँ पर इंक्रीज करके इसकी वैकेंसी को यहाँ पर इन्हेंस कर दिया गया है। आने वाले दिनों में आपको आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई देखेंगी, और इसमें अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उसके इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये वीडियो सभी को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। क्या सभी लोग अप्लाई कर पाते हैं, या जो पहले फॉर्म फिल किए थे वही लोग मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, अप्लाई जो आपका जोन है वो चेंज कर पाते हैं, या प्रीफ्रेंस जो डाले हैं वो सभी चेंज कर सकते हैं, तो वो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ये जो है अभी पर्टिकुलरली ये आपको टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि आपको वैकेंसी इंक्रीज की गई है, और पहले जो वैकेंसी थी और जो न्यू वैकेंसी ऐड हुई है दोनों को मर्ज करके अभी टोटल वैकेंसी कंबाइंड करके इस लिस्ट में यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी 14298, ये अभी बढ़ करके ये टोटल वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए हो गई है। अब बात करते हैं कि क्या कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें, अभी जो कैंडिडेट पहले फॉर्म फिल किए थे या नहीं किए थे वो लोग अभी क्या अभी एलिजिबल है या नहीं है, सभी कुछ एक एक करके इस पॉइंट्स में आपको मैं बताऊं। इसमें जो है पहला पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश CEN 2024, ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन के लिए था, जिसमें कि यहाँ पर 9744 वैकेंसीज फॉर ओपन लाइन 17 कैटेगरी के अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी थी, जिसमें कि अभी यहाँ पर टोटल 22 न्यू कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया, जैसे कि 18 यहाँ पर टोटल 22 कैटेगरीज मिला करके अभी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है यहाँ पर 14298 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया दूसरा पॉइंट, द पोस्ट पैरामीटर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PWETC फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज जो कि 19 से लेकर के 40 तक है आर इनक्लोज्ड हियर विथ एज एनेक्सर A2 ऑफ CEN 2024 फॉर पोस्ट पैरामीटर ऑफ ओल्ड पोस्ट कैटेगरीज जो कि नंबर था उनका 2 से लेकर के 18 तक एनेक्स ए CEN 2024 में भी रेफर्ड। तो जो कैटेगरी पहले था जैसे कि 2 से लेकर के 18 तक, उसके लिए एनेक्सर ए में जो भी दिया गया था मेडिकल स्टैंडर्ड्स या पोस्ट पैरामीटर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, मेडिकल स्टैंडर्ड्स का या सुटेबिलिटी का, वो सभी मान्य होगा। और उनके बाद जो 19 से लेकर के 40 नंबर जो सीरियल नंबर या पोस्ट कैटेगरीज हैं इनके लिए एनेक्सर A2 फॉलो किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया, द कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशंस ऑफ एवब रिवाइज्ड वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर ओल्ड एंड न्यू पोस्ट ऑफ ऑल आरआरबी जो कि सीरियल नंबर पोस्ट 2 से लेकर के 40 तक आर इनक्लोज्ड हियर विथ एज CEN 2024 रिवाइज वैकेंसी टेबल जो कि एनेक्सर B2 फॉलो कर सकते हैं। आप इसी PDF में नीचे दिया गया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है और मेडिकल स्टैंडर्ड्स वो सभी कुछ यहाँ पर दिया गया, जिसको भी आप लोग यहाँ पर जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया कि एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवेन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CEN 2024। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ न्यू कैटेगरीज इसमें ऐड किए गए हैं, जिसके कारण से अब सभी कैंडिडेट्स को इसमें अप्लाई करने का मौका दिया गया। जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग भी, और जो अप्लाई कर चुके हैं वो लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल आल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ RRB अलोंग विथ प्रेफरेंस टू ऑफ फॉर जोनल रेलवेज या PUs एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर ऑल एप्लीकेबल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैटेगरी पोस्ट नंबर 240 से लेकर के 40 तक। तो यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग जो भी कैंडिडेट थे जो अप्लाई कर चुके हैं तो वो लोग भी अभी अपना चेंज कर सकते हैं अपना RRB को और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो भी आपका प्रेफरेंस हो उसमें, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो सीरियल पोस्ट नंबर कैटेगरी नंबर 2 से लेकर के 40 तक जो था उनमें आप लोग यहाँ पर प्रेफरेंस को बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक अप्लाई नहीं किया टेक्नीशियन की वैकेंसी को, जो मिस कर दिए थे अप्लाई करना, वो लोग भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग या न्यू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव फ्रॉम, यहाँ पर दिया गया 2/10/2024 से लेकर के 16th of October 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ 15 डेज, ऑफिशियल वेबसाइट RRB के लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो जहाँ से आप अप्लाई किए थे वहीं से 2/10 से लेकर के 16/10/2024 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो न्यू एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आप एलिजिबल हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि पहली जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो भी आप अप्लाई किए थे कुछ अगर गलती था तो करेक्शन किए थे, तो सेम अभी भी आप लोग यहाँ पर ₹250 आपको करेक्शन या मॉडिफिकेशन का लगेगा। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती करोगे तो ₹250 दे करके अलग से आपको फॉर्म में सुधार कर पाओगे, जिसका विंडो है 17/10 से लेकर के 21/10 के बीच में आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया और सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश्ड अबाउट द मॉडलिटीज़ या प्रोसीजर्स टू गेट द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन डेटा या न्यू एप्लीकेशन सबमिशन फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पर कोरिगेंडम दिया गया है कि अमेंडेड नंबर 2, उसके बाद यहाँ पर सुपरसीडेंट कोरिगेंडम एंड अमेंडेड नंबर 1 डेट 22/8/2024। और ये जो नोटिस है ये आपको 27/9/2024 के डेट में ये पब्लिश किया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज वगैरह जो भी अभी जो यहाँ पर एनेक्चर ये A2 है इसको फॉलो किया जाएगा, जो कैटेगरी नंबर 19 से लेकर 40 तक ऐड किए गए हैं उनमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि ITI होल्डर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कर रखे होंगे 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स से यहाँ पर अप्रेंटिस कर रखे होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट में डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, कुछ पोस्ट में यहाँ पर दिया गया ITI होल्डर्स मेनली रूप से टेक्नीशियन के पोस्ट में ITI होल्डर्स उसके बाद यहाँ पर एलिजिबल हैं। अप्रेंटिसशिप कर रखे होंगे तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहा आपका जो अलग अलग RRB हैं उनमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन से अलग अलग कैटेगरीज में हैं, कौन कौन सा लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस डेटा को जरूर से देख लीजिएगा। सभी कुछ इसमें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए APTF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। और ये RRB टेक्नीशियन का गाइडलाइन भी आ गया है तो इसको भी आप लोग ज़रूर से पढ़ सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, जिसमें कि अटेंशन टू कैंडिडेट फॉर CEN 2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इसके लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें भी सभी कुछ दिया गया। नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज विल बी स्टार्ट 2/10 से लेकर के 16/10/2024 के बीच में ये लाइव रहेगा, इस बीच में आप लोग ये नॉर्मल विंडो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया गया एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट्स ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से फॉर्म को अप्लाई करके आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, तो उनके लिए ये है एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट जो भी फी पेमेंट कर दी है उनके लिए, जिसमें द CEN कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड टू एनी वन ऑफ द मोर कैटेगरीज जो कि 2 से लेकर 18 तक था एंड पेड रिक्वेस्टेड फी सक्सेसफुली एज आर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड एप्लीकेंट्स दे कैन अवेल विंडो पीरियड ये 2/10 से लेकर 16/10/2024 विदाउट एनी फी पेमेंट। इसके लिए जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर सेट किए गए होंगे वो सभी कुछ आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जो ID से आप पहले फॉर्म को सबमिट किया उसी ID को लॉग इन करके जो भी चीज़ इसमें आप यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे जो ज़रूरी होगा उसी को चेंजेस आप कर पाएंगे, उसके अलावा बहुत कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कि यहाँ पर दिया गया दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर चेंज ऑफ RRB एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैटेगरीज 2 से लेकर 40 तक में आप कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल
टेंटामाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो आप लोग एक अगर नई एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए जो आप एप्लीकेशन सबमिट किए हो उसी को आपको चेंज करना है। और ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें कि द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग कैटेगरीज नंबर 2 से लेकर के 40 तक में। तो यहाँ पर आपको न्यू तरीके से सभी कुछ आपको फॉर्म को फिल करना होगा, सबमिट करना होगा, और जो भी प्रेफरेंस आर आर बी सभी को चूज करके आप इसमें सबमिट कर सकते। और ये रहा मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड, जिसमें कि जो भी चेंजेस आप कर पाएंगे, लिमिटेड एक्सेस यहाँ पर दिया जाएगा आपको डेटा को चेंज करने का। तो जो भी चीज आप चेंज कर पाओगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा कौन चीज़ गलती है। और ये आपका दिया गया हेल्प डेस्क कैंडिडेट्स के लिए ये नंबर और ईमेल एड्रेस, जिन पे कि आप 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप अपना जो भी क्वेरीज हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है आपका टेक्नीशियन का था, आरआरबी जेई की जो वैकेंसीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी, तो उनके लिए भी इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें भी हो सकता है आपको जोन चेंज करने का या प्रेफरेंस चेंज करने का आपको सभी कुछ मौका मिले, और ज़्यादा अगर कैटेगरीज ऐड होंगी तो हो सकता है न्यू कैंडिडेट्स के लिए भी मौका मिले अप्लाई करने का। तो जो कुछ भी अगर आती है मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप ग्रुप से, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन होकर करिएगा, वहाँ पर आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे। और अभी जो है टेक्स्ट बुक पर ऑफर यहाँ पर लाइव हो चुका है, और ये एंड ऑफ सीजन सेल है, यहाँ पर 28 से 30 सितंबर के बीच में चलने वाली है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे PKO3PL तो आपको इंस्टेंट यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है ईयरली पासबुक यहाँ पर प्रो का आपको 699, 449 नहीं बल्कि 395, बल्कि इससे भी और कम में आपको मिल जाएंगे। तो ये कूपन कोड याद रखिएगा PKO3PL, इसको ज़रूर से लगा करके आप पास बाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन नहीं होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उस लिंक से क्लिक करके आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपके फ़ोन में पहले से है तो आप ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप सर्च करोगे KKS इंडियन टेलीग्राम पर तो भी मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सअप पर अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का एक नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही मैसेज करोगे तुरंत आपको सभी लिंक्स वगैरह रिसीव हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी ज्वाइन होकर के आप रह सकते हैं, सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी।